गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 45। पेज नंबर 45, फाइंड आउट द फॉलोइंग। ए नंबर, फाइंड आउट द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, 9,897 + 4,96 - 1,746 - 1,792. ओके, स्टेप वन, स्टेप वन प्लस कर 9,878 - 4,097. ओके, प्लस 8, 7 + 7 = 15. 15 का 5 कैरी 1, 9 और 10, 10 और 7 17, 17 का 7 1 कैरी, 8, 9, 4, 12, 13, 13 का 3 1, 9 और 1 10, तो इसका क्या है 10,375। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड माइनस माइनस प्लस 1,746 - 1,792 + 6 or 2, 8. 4 + 9 = 13. 7, 7 = 14, 1, 15, 5, 1, 1, 2, 3. इसका आंसर आया 3,538. स्टेप थर्ड। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ करवा रही हूँ। अब आपको जो बड़ा डिजिट है उसमें से छोटे को माइनस करना है। स्टेप थ्री,25 लाख का लोन चाहिए। तो उसने अपने दो फ्रेंडों से एक तो 45,000 और दूसरा 30,000 ले लिया, तो टोटल उसके पास कितना अमाउंट हो गया, ब्याज करेंगे। उसके बाद उसको बैंक से और कितना
लोन लेना है या उसके थर्ड फ्रेंड से कितना लोन ले अमाउंट लेना है वो हमें बताना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। अमन ने अपने एक दोस्त से 45,000 रुपए लिए हैं और दूसरे फ्रेंड से 30,000 रुपए लिए हैं। ओके, तो अमन ने अपने दोनों दोस्तों से टोटल कितने रुपए लिए हैं लोन के? तो हम यहाँ पे करेंगे 0 + 0 = 0, 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 0
अमन के फ्रेंड से कितना अमाउंट मिला उसे? 75,000, 75,000। मगर अमन को कितना लोन है? 25 लाख का है। तो अमन के फ्रेंड ने कितना लोन दिया है? 75,000, 75,000। ओके, तो आपको बता रहा है कि अभी के अमन को रिक्वायरमेंट कितना है अमाउंट का? 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 0 माइनस इक्वल टू 0, 0 माइनस 0। जीरो में से 5 जाएगा कॉसी वाले, नहीं तो वो यहाँ से ए बन के लेगा, तो इसके पास 4 बचेगा और इधर 10 हो जाएगा। अब ये 10 में से 1 कैरी इधर लेते हैं तो इसके पास 10 हो जाएगा और इनके पास 9 होगा। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, 4 और 2 का 2। तो अभी भी अमन को लोन के लिए कितनी अमाउंट की जरूरत है? 24 लाख 25,000। ठीक है, तो आंसर हमारा हुआ है ₹24 लाख 25,000 अमन विक्रम। ओके, क्वेश्चन वन आपको बुक में से लिखना है या आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अनु अर्न ₹95,000, ही स्पेंट ₹35,000 फॉर द रिपेयर ऑफ हिज हाउस, ₹15,000 टू परचेस आरटीवी सेट एंड ₹35,550 to buy a computer. How much money is left with him? अनुप की इनकम कितनी है? 95,000। उसमें से उसने अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए 35,000 रुपए निकाले। नेक्स्ट उसने टीवी से टीवी खरीदने के लिए 15,000 रुपए और लिए, निकाले अकाउंट में से। देन उसके बाद उसने एक कंप्यूटर भी परचेस किया है, तो आपको बताना है कि अब अमन के पास कितने पैसे बचे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अनुप ने पहले तो उसने हाउस के लिए 35,000 निकाले, फिर टीवी के लिए 15,000 निकाले, फिर उसके बाद उसने कंप्यूटर के लिए 35,550 निकाले, तो उसके पास टोटल कितना अमाउंट हुआ? 0 + 0 + 0 = 0, 0 + 0 + 5 = 5, 0 + 0 = 5, 5 = 15, 1 = 6, 7, 8। तो उसने टोटल कितना स्पेंड किया? 85,550। और अनुप की इनकम कितनी है? 95,000। अब हम इस वाले अमाउंट से इसमें माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अनुप के पास अब कितना अमाउंट बाकी है। 0 में से 0 गया 0, 0 माइनस 5 = 0 नहीं है, तो हम यहाँ से 1 के लेंगे, इसके पास 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 = 5, 9 माइनस 5 = 4, 4 माइनस 5 possible नहीं, तो हम यहाँ से 1 के लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 14, 14 माइनस 5 9,
आंसर 9450 मनी लेफ्ट विथ हिम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आ पोएट्री फॉर्म प्रोड्यूस 4,25,000 एग्स इन अ पर्टिकुलर मंथ। इट्स सेंड 1,20,400 एग्स टू वन मार्केट एंड 1,55,440 टू अनदर। द रिमेनमेंट एग्स वी आर सेंड टू द थर्ड मार्केट। How many eggs we are sent to the third market? एक पोल्ट्री फॉर्म में 4,25,000 के फर्स्ट मंथ में एक सेंट उसमें से उस फर्स्ट मार्केट में आए हैं और सेकेंड उसके आए हैं 1,55,440। तो उसमें कितने एक मार्केट में दिए वो हमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आप पोएट्री फॉर्म ए 4,25,000 और उसमें से उसको माइनस करना है। ओके, पोएट्री फॉर्म में सेंट ए फर्स्ट मार्केट में उसने 1,20,400 और सेकंड मार्केट में उसे 1,55,440 मार्केट को दिए। तो सेंट एक ऑन द फोर्थ मार्केट में उसने मार्केट में टोटल कितने दिए? 0 + 0 = 0, 0 + 4 = 4, 4 = 8, 0 = 5, 2 = 7, 1 = 2। तो उसमें से एक ऑन बोथ मार्केट 2,75,840। अब और एक प्री फॉर्म प्रोड्यूस एग और उसके उसके जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एग वो कितने? 4,25,000। देन सेम इन द बोथ मार्केट, तो उसने मार्केट में कितने दिए हैं? 2,75,840। थर्ड मार्केट एक सेंट 0 - 0 = 0, 0 - 4 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से बन के लिएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा या 9, फिर नेक्स्ट के लिए 10 - 4 = 6, 9 - 8 = 1, 4 - 5 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से 1 नहीं, यहाँ पे हमारा 14 हो जाएगा, 14 - 5 = 9, 1 - 7 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हमने 1 के लिए, तो यहाँ 11 हो गया, 11 - 7 = 4, 3 - 2 = 1। तो उसने थर्ड मार्केट में एक कितने सेंड किए? 1,49,106 160। ओके, 1,49,160 एग्स सेंड टू द थर्ड मार्केट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वी आर 4,56,780 बैग ऑफ सीमेंट इन द स्टोर। इफ 6,266 बैग्स वी आर सोल्ड आउट ऑन मंडे एंड 46,617 बैग्स ऑन ट्यूसडे, हाउ मेनी बैग्स वी आर लेफ्ट। मंडे को उसने 6,000
6267 सीमित बेग निकाले और ट्यूसडे के दिन 46617 बेग निकाले। पहले हमें इन दोनों अमाउंट को हमें प्लस करना है, उसके बाद जो टोटल बैग्स हमें दिए गए हैं 4,56,780 में से जो सोल्ड बैग हुए उनको माइनस करना है, तो हम बता पाएंगे कि उसके गोदाम में टोटल कितने सीमेंट के बैग स्टोर हैं। ओके, मंडे के दिन उसने 6,267 और ट्यूसडे के दिन 46,617 बैग्स निकाले हैं। तो सोल्ड ऑन द बोट थे 7 + 0 = 7 6 + 7 = 13 1 6 0 3 9 6 0 6 12 2 carry 1 5। ठीक है, तो उसने कितने सोल्ड ऑन बुथ दोनों दिन कितने बैग से मिट के निकाले 52,937। तो टोटल बैग हमें दिया गया है 456,780 और उसने दोनों दिन में कितने बैग सोल्ड किए बेचे गए 52,937। 0 - 7 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 1 के लिए यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 7 होगा। 10 - 7 = 3 7 - 3 = 4 7 - 9 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 कैरी बोर्ड लेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 17। पेज नंबर 48 लेट अस द मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 15 9s। सेकंड हमें दिया गया है 19 11 का। थर्ड हमें दिया गया है 8 18 का। मिला ये आपको? तो हम सॉल्व करेंगे 15 9 का। जिन बच्चों को नहीं आता वो रफ कॉपी में इनको कर लो, ये आपको अपनी बुक में ही करना है, बुक में ही करना है। ओके, 15 9 का 9 5 का 45 9 5 का 45
45 का 5 नीचे, 4 टेंस के ऊपर, 9 वन सा 9, 9 और 4 13, तो हमारा आंसर क्या आया 135, 19 59 सा 135, तो आपको हमें यहाँ लिखना, ये काम आपको अपनी रफ कॉपी में करना है, ओके। नेक्स्ट है 1911 सा टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 19 सा 9, 19 सा 11 सा 1। नेक्स्ट सेकंड टेंस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें यहाँ क्रॉस लगाना है, 19 सा 9, 11 सा 1, अब हम इसको ऐड करना है, 9 9 और 1 10 का 0 1 1 और 2, तो 1911 सा 209, ओके। नेक्स्ट है हमारा 188 सा 8 × 18 टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 88 सा 64, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है टेंस के लिए, इसलिए हमें पूरी डिजिट लिखना है। अब नेक्स्ट डिजिट के लिए हमें क्रॉस लगाना है, 18 सा 8 प्लस 4 का 4 6 प्लस 8 6 प्लस 8 14, ओके 6 प्लस 8 14, तो हमारे यहाँ आंसर आएगा 144। आपको ये सारा काम अपनी रफ कॉपी में करना, उससे जो आंसर आएंगे वो आपको पेज नंबर 48 पे करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके ये आपका होमवर्क है, ये बाकी का आपका होमवर्क है, आपको करना है, ओके ठीक है, 14 तक आपको करना है, 15 तक ये आपका होमवर्क है, आपको ये अपनी बुक में ही फिल करना है। बी नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 1817 जा, तो आपका फिलअप्स में यहाँ क्या आएगा 17, क्योंकि जो ए है वो बी पे चला गया, जो बी डिजिट है वो ए पे आ गया, और थर्ड वाले पे यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि 4215 बन जा 4215, जो डिजिट है वो ही हमें चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे 1 से मल्टीप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट हमारा है 19 और 171 का आपको निकालना है, और यहाँ पे आपका आएगा 0, क्या आएगा 0, ओके ओके। नेक्स्ट हमारा आता है इस वाले सम्स का आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 9, 19 9 = 171 होता है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे हम, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 का ये वाला, राइट द फॉलोइंग 15 tens = 115, क्योंकि जो डिजिट है हमें वो ही लिखना है, आप इनको अभी मल्टीप्लाई करके देखना, जो आंसर आएगा वो आपको इन्हीं के नीचे लिखना है, या आपको अपनी बुक में ही करना है, ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको अपनी बुक में ही करना है। इसके बाद है नेक्स्ट, ये मैं आपको करवा देती हूं, पेज नंबर 49 हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, टू थ्री डिजिट नंबर और टू डिजिट नंबर का, जीरो का मल्टीप्लाई हम किसी भी डिजिट में करेंगे आंसर हमारा जीरो आएगा, जीरो सेवन जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो। अब सेकेंड टेंस के लिए हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, का फोर टू हमारे पास कैरी, 3 7 जा 21 में 2 प्लस कीजिए 21, 22 23 23 का 3, फिर हमारे पास 2 टेंस में आ रहा, 3 3 जा 9, 9 में 2 प्लस
उनको हमें प्लस करना है। 0, 4, 3, 1, 1 तो हमारा आंसर क्या आया इसका 11,342। ये भी आपको अपनी बुक में ही करना है, सिर्फ आपको ये आंसर लिख के अपनी बुक में लिखना है। ओके, यहाँ पे यह हम बुक में ही करेंगे। ओके, इनके आंसर हम बुक में ही देंगे। नेक्स्ट हमारा है जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट पे करते हैं तो सेम इस डिजिट आती है, जीरो जीरो। ओके, 6 5 30, 30 का जीरो हाथ में 3, 6 4 24, 24 में 3 प्लस करेंगे 24, 25, 26, 27 का 2 हाथ में, 6 2 12, 12 में 2 प्लस किया आंसर 40, इनको प्लस कीजिए 7 4 1, हमारा आंसर आया 14,700। नेक्स्ट, जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है। ओके, जीरो ही आता है। 4 3 12 है, 2 1 हाथ में, 4 9 36 1 37 का 7 हाथ में, 3 4 6 24, 24 में 3 प्लस किया तो 27, प्लस कीजिए इसे, हमारा आंसर आया 27,720। पेज नंबर 49 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपका होमवर्क है, आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। ओके, थैंक यू।